गोरखपुर के लिए जिला पंचायत अध्यक्ष के प्रत्याशी का ऐलान भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। भाजपा ने जिला पंचायत अध्यक्ष के उम्मीदवार के लिए पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह की बहू और पूर्व मंत्री मौजूदा विधायक फतेह बहादुर सिंह की पत्नी साधना सिंह पर दाव खेला है। साधना सिंह कैंपियागंज क्षेत्र के वार्ड नंबर 19 से जिला पंचायत सदस्य के पद पर चुनाव जीती है और पूर्व में भी जिला पंचायत अध्यक्ष रह चुकी है। पहले से ही वे जिला पंचायत अध्यक्ष की प्रबल दावेदार बताई जा रही हैं। इससे पहले साधना सिंह 2010 से 2015 तक गोरखपुर में जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी संभाल चुकी हैं। अगर साधना सिंह जिला पंचायत अध्यक्ष के चुनाव में विजयी रहती हैं, तो ऐसा पहली बार होगा जब कोई महिला दूसरी बार जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर काबिज होगी। इसके पूर्व भी जिला पंचायत अध्यक्ष की कुर्सी पर महिलाओं का कब्जा रहा है, एक बार भी पुरुष अध्यक्ष नहीं बन पाया है। पहले शोभा साहनी, फिर सुभावती पासवान, इसके बाद चिंता यादव, फिर साधना सिंह और निर्वर्तमान में गीतांजलि यादव जिला पंचायत अध्यक्ष रही हैं। वहीं समाजवादी पार्टी ने आलोक गुप्ता को अपना प्रत्याशी बनाया है। आपको बता दें कि जिला पंचायत अध्यक्ष के लिए 26 जून को नामांकन और 3 जुलाई को मतदान और मतगणना होगी।